राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस रहेंगे। सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स में साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 1 साल से कम तक। बिल्कुल ध्यान में रखिए, कब से कब तक मनाया गया? तो 1 से लेके 8 अक्टूबर तक मनाया गया, ठीक है। कौन साक्षरता सप्ताह कौन सा मंत्रालय इसका आयोजक होगा? मंत्रालय शिक्षा वगैरह कॉमन सेंस मंत्रालय। लगाएंगे ना तो पता चल जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। साक्षरता के लिए ना एमएसएमई नहीं आएगा, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सभी हितधारकों के बीच में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, ठीक है। उल्लास समाज के सभी वर्ग सभी उल्लास समाज के सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। उल्लास की बात करेंगे तो केंद्र के प्रायोजित योजना है। स्लोगन क्या रहेगा? तो जन जन साक्षर, क्या रहेगा? जन जन साक्षर। या राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, एनईपी का मतलब क्या होता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अभी तक कितना बार एनईपी आया है? कितना बार? एक 1948 में आया था, राधा कृष्ण नायक बनी थी सर। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी के समय एक शिक्षा नीति आई थी, और फिर जाकर 2020 में आई है शिक्षा नीति। कुछ छूटा भी क्या? मुझे इतनी याद आ रहा है, आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा याद आ रहा है क्या? 1948 में, 1986 में, 2020 में, 3 शिक्षा नीति शायद आई है। एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिए। जो 2020 वाली जो शिक्षा नीति थी, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? आर रंग रंजन कमेटी। रंगन, के कस्तूरी रंगन। चलेगा। 196 नहीं आया था क्या? 196 कस्तूरी रंगन 196 86 एट, हाँ86 हो सकता है 196 हो सकता है, ठीक68 में है, भी आया था। देखें। ऑमनी प्रोजेक्ट में भी आया था एक 48 में, 68 68। में, 86 में, 2020 में, हाँ 68 में भी है, बिल्कुल ठीक है, सही है ना? हाँ, तो ये 4 गो शिक्षा नीति है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। एन कस्तूरी रंगन की बात करेंगे तो सबसे आखिरी जो था 2020 में आया था, और ये आपका किस लिए था? मतलब एन कस्तूरी रंगन इसरो के क्या थे? वैज्ञानिक है, अध्यक्ष भी रहे। हिंदी दिवस की बात करेंगे तो हिंदी डीआरडीओ दिवस का चौ चेयरमैन। डीआरडीओ के थे कि मतलब क्या इसरो के थे? इसरो के थे ना, के कस्तूरी रंगन इसरो के थे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते, कब मनाते हैं? हिंदी दिवस को 14 सितंबर को मनाते। क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी 14 सितंबर 1949 को अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? 14 सितंबर 1919 को, 1949 को अपनाई गई थी, ठीक है। तो हिंदी हमारी क्या है? राज्यभाषा है। और लिपि की बात करेंगे देवनागरी, ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की बात करेंगे, 1 मई 1910 को हुई थी। कब हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान में एक मई रखेंगे, उन्नीस सौ 1 मई 1910 दस को हुई थी। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन मुख्यालय पटना की स्थापना 1919 में को मुजफ्फरपुर में हुई थी, ठीक है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन जिसका मुख्यालय पटना है, की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो मुजफ्फरपुर में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विश्व हिंदी सम्मेलन के शुरुआत की बात करें, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाते हैं? हिंदी दिवस 10 जनवरी को विश्व वाला, ठीक है। अब भारत में कब मनाते हैं? भारत में कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को चौदह मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं भारत में? तो भारत में 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य के पिता किसे कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु को हरिश्चंद्र जी की कोई रचना याद है तो बता दीजिए हमें, कोई भी रचना। भारती तो सर मैथिली शरण गुप्त है सर, भारत दुर्दशा, ठीक है, भारत दुर्दशा, ठीक है, अंधेर नगरी, ये सब किनकी रचना है? भारत दुर्दशा है, ठीक है, अंधेर नगरी, ठीक है, ये सब इनका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और बात करेंगे तो इनकी जन्म आई थिंक 1850 में हुआ था, बहुत ही कम आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक बार गूगल चेक कर लीजिएगा सर, 1885 में ही सर इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जहां तक कांग्रेस की जिस साल स्थापना हुआ था उसी साल इनकी मृत्यु, मात्र 35 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। मुझे ऐसा ही कुछ याद आ रहा है, एक बार जस्ट चेक, ठीक है, एक बार चेक कीजिए तो ये। चलिए आप, चलिए, इंजीनियर्स दिवस कब मनाते थे? 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। किनके जन्म दिवस के रूप में? तो एम विश्वेश्वरैया के जयंती पर ये मनाया जाता है। टिकाऊ भविष्य के लिए इंजीनियरिंग इस पर का थीम था। एम विश्वेश्वरैया साहब की बात करेंगे तो ये भारत में, ध्यान में रखेंगे, बांध के विकास के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है, बांध नहीं होता क्या, डैम के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। डैम वगैरह से डेवलप किया था, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। कहाँ से आते थे? कर्नाटका से आते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1903 में आप देखेंगे, 1903 में एक सिंचाई प्रणाली का पेटेंट करवाया जिसे ब्लॉक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। पुणे के खड़गवासला जलाशय में स्थापित स्वचालित बियर वाटर फ्लड गेट उनका पेटेंट डिजाइन था। उन्हें 1955 में भारत रत्न का पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है।
विश्व सरैया साहब को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाया था? इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं? अक्टूबर इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को, ठीक है। को हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस क्या बताएंगे? हिंदी मैं दिवस बिल्कुल कब मनाते हैं? हिंदी तो दिवस 14, सितंबर को बिल्कुल ठीक है, 14 सितंबर को, ठीक है। विश्व में कब मनाते? विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय लाल पंडा दिवस की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ष, ठीक है, सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष, ठीक है, सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। क्या मना? अंतर्राष्ट्रीय लाल पंडा दिवस, ठीक है। IUCN स्टेटस की बात करें, क्या लुप्त प्राय है? क्या IUCN स्टेटस क्या है? IU, ठीक है, CN स्टेटस क्या है? तो लुप्त प्राय है, ठीक है। बाद 2010 में रेड पांडा नेटवर्क स्थापित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या कब स्थापित किया गया था? तो 2010 में रेड पांडा नेटवर्क स्थापित किया गया। पर्यावास की बात करें, कहाँ पे? दक्षिणी पश्चिमी चीन और हिमालय में मिलता है, ठीक है। चीन का राष्ट्रीय एनिमल भी है ये, ठीक है, ड्रैगन मत सोच लीजिए, चीन का राष्ट्रीय एनिमल ड्रैगन है, ठीक है। राष्ट्रीय एनिमल क्या है चीन का? पांडा है, ठीक है, बहुत आलसी होता है, ठीक है, बहुत आलसी होता है, ठीक है। तो IUCN का स्टेटस क्या है इसका, पांडा लुप्त का? लुप्त प्राय है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पांडा नेटवर्क कब स्थापित किया गया? 2010 में। कहाँ पे मिलेगा? तो दक्षिण पश्चिम चीन और पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में मिलता है। प्रत्येक सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है। इस बार 16 सितंबर को मनाया गया। 16 सितंबर को और कौन सा दिवस मनाते हैं, डे ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वो भी यस आएगा ही। बात करेंगे भारत में पाए जाते हैं, पूछेगा भारत में पांडा किस राज्य में पाए जाते हैं? सिक्किम में पाए जाते हैं, अरुणाचल में पाए जाते हैं, दार्जिलिंग में, और पश्चिमी बंगाल के, ठीक है, पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिला में पाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, नामदफा कहाँ पे मिलेगा? नामदफा जल्दी जल्दी बोलिए, नामदफा। अरुणाचल प्रदेश नोकरेक कहाँ पे मिलेगा? नोकरेक, नोकरेक मेघालय मेघालय में, ठीक है। बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? बलफाक्रम, मेघालय सर बिल्कुल ठीक है। में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? कंचनजंगा सिक्किम कहाँ पे? नेवरा वैली, कालिम्पोंग, पश्चिम बंगाल ठीक है, कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में, ठीक है। शिंगाली लीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? शिंगालीला, शिंगालीला पश्चिम बंगाल बंगाल में। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान में आपको मिल जाएंगे, ये क्या नाम है इनका, पांडा, ठीक है। अंत्योदय दिवस की बात करेंगे, 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अब 25 सितंबर को जयंती भी है, किनका जयंती है? दीनदयाल तो उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती की बात करेंगे, कब है? तो 25 सितंबर को इनका जयंती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे, वो भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे, क्या थे? भारतीय भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई थी? सिंपल क्वेश्चन, दवा भी खा लेता हूँ। 150 उन्नीस सौ 50 पचास के राष्ट्र इक्यावन, में खोजे इक्यावन नहीं होगा, 51 51 ही होगा, ठीक है। श्यामा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। एक देश दो विधान दो कानून, ठीक है, दो संविधान नहीं चलेगा, ये नारा किसका था? प्रसाद कश्मीर में स्थापना नहीं हुई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कश्मीर में गए थे ना, वहां पे जो संविधान वगैरह सब कुछ अलग कर दिया था कश्मीर को विरोध करने के लिए, तो वहां पे इसका फारूक बंगाल में अब्दुल्ला के हुआ वो पिताजी का शायद नाम क्या था? फारूक अब्दुल्ला के पिता का नाम था शेख शेख अब्दुल्ला, अब्दुल्ला शेख, उसने गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है, और गिरफ्तार करके उनको एक जेल में रख दिया था, जहां पर संदिग्ध स्थिति में उनकी मृत्यु हो गई थी, समझे? संदिग्ध स्थिति में उनकी वहां पे मृत्यु हो गई थी, इसलिए, और जनसंघ से ही आगे चल के टूट के बना भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कश्मीर भारतीय कश्मीर जनता पार्टी के शुरू बंगाल से से थे रडार में था। शायद शायद ये बंगाल से थे क्या उपाध्याय जी बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाल से थे, से श्यामा प्रसाद ओ मुखर्जी जी बंगाल से सुभाष थे। ये तो दीनदयाल उपाध्याय जी उत्तर प्रदेश के आते थे, इनकी उत्तर प्रदेश से आते थे या उत्तर प्रदेश से दिल्ली जा रहे थे, तो दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, जो कि मुगलसराय स्टेशन पे, इनके मतलब संदिग्ध स्थिति में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, पता नहीं चलता मृत्यु का सही कारण क्या था, इसलिए मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर इन्हीं के नाम पे रखा गया है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखें 25 सितंबर को मनाते, इस दिन कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंत्योदय दिवस। खेल दिवस की बात, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त सर इस बार मैं किनके ध्यान दे रहा जन्मदिवस था के रूप में फुटबॉल है? मेजर ध्यान से ध्यानचंद जी फुटबॉल के, ठीक है। खेलता अब मेजर ध्यानचंद ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में कमाल कर दिया था, उस मैच को देखने के लिए हिटलर भी आया था, हिटलर डियरली सॉन्ग हो गया इनके। हाँ, बर्लिन ओलंपिक,
बिल्कुल, खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते थीम था। यह पहली बार 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था खेल दिवस? 29 अगस्त 2012 को सर। तक नहीं दिया जाता, लेकिन केवल एक व्यक्ति को खेल के क्षेत्र में भारत रत्न मिला। कौन है? तो सचिन तेंदुलकर सर। अच्छा खेल के क्षेत्र में केवल भारत रत्न मिला है, ठीक है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 30 अगस्त को मनाया गया। 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीति पैकेज की अनावरण किया गया था। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में आया है, ठीक है। विश्व एमएसएमई दिवस की बात करेंगे तो 27 जून को मनाते हैं, लेकिन भारत में कितने तारीख को मनाते हैं? 30 अगस्त को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है, कब की गई है? 23 अगस्त को 23 अगस्त मनाएंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। चंद्रयान 3 की बात करें, विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पे टच डाउन बिंदु को शिव शक्ति के रूप में जाना जाता, जहां पे इन्होंने सबसे पहला अपना लैंडर ने जहां सबसे पहले अपना कदम रखा उसको किस नाम से जानेंगे? सकते बिल्कुल ठीक है। चंद्रयान 2 का जो क्रैश स्पोर्ट था, ठीक है, जहां पे वो क्रैश कर गया 2019, उसको किस नाम से जानते हैं? ठीक तिरंगा पॉइंट। है। तो ये सारे के सारे जो नेशनल करेंट अफेयर्स थे जो कि दिवस से थे। अब आते हैं इंटरनेशनल में आता है, ठीक है। 37वां तिब्बती लोकतंत्र दिवस मनाया गया, कितने तारीख को मनाया गया? 2 सितंबर को 2 सितंबर। पता होना चाहिए इसे। निर्वासित तिब्बत सरकार भारत से चलती है, कहां से चलती है? भारत के धर्मशाला। धर्मशाला से चलते हैं, ठीक है। दलाई लामा का निवास स्थान अगर पूछेगा तो कहाँ पे? दलाई लामा का निवास स्थान धर्मशाला में। 2 सितंबर 1960 को निर्वासित तिब्बती सांसद के पहले निर्वाचित प्रतिनिधियों ने बोध गया में शपथ ली थी, ठीक है। 1960 में निर्वासित तिब्बती संसद के पहले निर्वाचित प्रतिनिधियों ने बोध गया में शपथ ली थी। ये भी एक रीजन था से चीन ने भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है, ये भी एक रीजन था, ठीक है। 1959 में दलाई बात लामा जी करेंगे, का ये वाले बिल्कुल, 1959 में बात करेंगे तो यहाँ पे चीनी सरकार का मतलब अधिकार हो गया था तिब्बत में। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? श्रावण पूर्णिमा को, ठीक है, 31 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन महान संस्कृत विद्वान व्याकरण पाणिनि की मतलब जयंती भी मनाई जाती है, ठीक है। अगर पूछेगा संस्कृत दिवस किसके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है तो ध्यान रखिए पाणिनि। क्या? पाणिनि। पाणिनि ने बात करेंगे तो पाणिनि ने, ठीक है, संस्कृत व्याकरण की रचना की थी, ठीक है। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? अष्टाध्यायी क्या? हाँ, अष्टाध्यायी के लेखक जो है के पाणिनि है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार कब? तो 1969 में इसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। आर्थिक फैक्ट की बात करेंगे तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन का विषय की बात करेंगे वसुदेव कुटुंबम है, ठीक है। क्या है लेखक वसुदेव कुटुंबम? जी। कहाँ से लिया गया वसुदेव कुटुंबम? महोपनिषद। महोपनिषद से। बहुत सुंदर, ठीक है। 3 संस्कृत शब्द है, वसुधा। वसुधा का मतलब क्या है? पृथ्वी या फिर विश्व होता है। ईव का मतलब जैसा होता है, और कुटुंब का मतलब बड़ा विस्तारित परिवार से मिलकर मनाना, मतलब संपूर्ण विश्व या फिर संपूर्ण पृथ्वी क्या परिवार है। इस श्लोक का उल्लेख महाउपनिषद के, ठीक है, 6, ठीक है, 6ठा अध्याय में मिलता है। इसे आगे हितोपदेश में भी संदर्भित किया गया, ठीक है। हितोपदेश की कहानियां किसने लिखा था? लेखक कौन हितोपदेश के? क्या विष्णु शर्मा, ये तो जय हितोपदेश? नारायण शर्मा या कुछ नाम पता है तो कौन है हितोपदेश के? विष्णु शर्मा तो नहीं, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के हैं। नारायण पंडित। नारायण पंडित नारायण पंडित, वेरी गुड, ठीक है, नारायण पंडित है, ठीक है, ध्यान में, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के हैं। तो ये कहाँ से लिया गया? महाउपनिषद से लिया गया, लेकिन इसके बारे में चर्चा आपको हितोपदेश में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नीले आसमान के लिए 4था स्वच्छ वायु दिवस 2023, नीले आसमान के लिए 4था अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 7 सितंबर को मनाया गया, सात ठीक है। चलिए थीम की बात करेंगे तो स्वच्छ वायु के एक सितंबर साथ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग की बात करेंगे 7 सितंबर 2023 को, मैंने इंपोर्टेंट तारीख है क्योंकि 7 सितंबर 1923 को इंटरनेशनल पुलिस संगठन के को। इंटरपोल ने अपनी शताब्दी मनाई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इंटरपोल में कितने देश है? 195 सदस्य वाला विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है तो क्या बताएंगे? लियोन फ्रांस इसे याद होना चाहिए, लियोंस। लियोंस कहाँ पे पड़ता है? फ्रांस में फ्रांस पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है लियोंस? नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं है, फ्रांस में। कहाँ पे अभी लियोंस? फ्रांस में है। सीरिया इंटरपोल में इसका दस सदस्य देश नंबर कितने बनाया हैं? ना।
हाँ सीबीआई इसका सदस्य बन गया इंटरपोल। इंटरपोल का, ठीक है ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे इंटरपोल की, बात करेंगे तो बताइए इंटरपोल में सदस्य कितने हैं? एक सौ 125। पंचानवे सर। अब इंटरपोल जैसे में मीटिंग सदस्य भी की हुआ बात था ना करेंगे। इंडिया में इंटरपोल हाँ का, हाँ मोदी इंटरपोल जी का के। इस बार मीटिंग इंडिया में हुआ था। बात करें इंटरपोल के वैश्विक पुलिसिंग लक्ष्य 2023 एजेंडा है SDG 5, लैंगिक समानता हासिल करना, सभी महिलाओं और लड़कियों का सशक्त बनाना। SDG में कुल कितने लक्ष्य है? बिल्कुल 5 लक्ष सत्य है। कब तक लक्ष्य ये है, कब तक के लक्ष्य है ये सारे के सारे लक्ष्य? 100 तक घोषित किए गए, ठीक है। SDG 16 की बात करें, शांति निर्यात को मजबूत संस्था है। 17 की बात, स्थायी विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना, ठीक है। एक बार SDG का लक्ष्य जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय 2019 8 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा मनाया गया, किसके द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस? तो यूनेस्को के द्वारा मनाया गया, ठीक है। थीम की बात करेंगे, परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों के नींव का निर्माण करना। फ्रांस के पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इतना ही ध्यान रखिए, जो 8 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 8 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अतिरिक्त तट की बात करें, ILD की स्थापना यूनेस्को द्वारा 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के 14वें सत्र में की गई थी। ILD पहली बार 1967 में बनाया गया। SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है। शिक्षा से संबंधित SDG का मतलब कौन सा लक्ष्य है? SDG का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। डेवलपमेंट गोल होता है, 17 गोल है ध्यान में। पहला गोल क्या, फर्स्ट गोल? पहला सर वही गरीबी मुक्त, मतलब खाना से है रिलेटेड, भुखमरी से। मैं आधा किने को पूरा भूल हंगर गया है। बीच में बात किए थे एग्जाम के लिए। क्या गरीबी, पॉवर्टी, है? नहीं, हंगर पहला में क्या है? जीरो बिलोंगिंग्स। हंगर, सॉरी सॉरी सर, पॉवर्टी है, नहीं पहला में पॉवर्टी है, सॉरी दूसरा में हंगर है, ठीक है। पहला में क्या है? पॉवर्टी है, ठीक है ध्यान। तीन पॉवर्टी, चार गरीब, बता दे रहा हूँ, ठीक है। हंगर, दूसरा में क्या है? जीरो हंगर हंगर है। है, तीसरा तीसरा में हेल्थ है, हेल्थ में पानी, है। हेल्थ चौथा है। हाँ एजुकेशन है, ये हेल्थ 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 है। जरूरी चौथा में है। एजुकेशन है, क्वालिटी, जेंडर पांचवा में, इक्वल, जेंडर इक्वालिटी, बात करेंगे तो क्या, पांचवा में जेंडर इक्वलिटी है। देखो याद करवाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको गरीबी मिटाना है। जब आपके पास गरीबी मिट जाएगी, आपके पास पैसे आएंगे, तो आप भोजन खरीद सकती है। जब खाना पीना खा लेंगे तो आपका हेल्थ क्या होगा, खाना खाने से स्वस्थ हो जाएगा। नहीं कहते हैं पेट भर लाता पढ़ाई में भी मन लगता है, गांव देहात में बोलती हुई कहते हैं ना, इसलिए खाना पीना खिला के स्कूल भेजा जाता है, भूखे नहीं भेजा जाता है। इसलिए सरकार ने भी क्या किया, मिड डे मील स्कीम को शुरू किया, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपका तीसरा नंबर क्या है, हेल्थ सही होने के बाद, ठीक है। चौथा में आपको एजुकेशन मिलेगा, ठीक है। जब एजुकेशन मिलेगा, जब पढ़ लिख लेंगे, तो आप जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे। कभी मूर्ख आदमी को देखे जेंडर इक्वलिटी की बात करते, नहीं बात करता है, ठीक है। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी की बात करोगे, ठीक है। जब जेंडर इक्वलिटी की बात हो जाएंगे, तो उसके बाद थोड़ा सा और भी आप ज्ञानी हो जाओगे, तो फिर क्लीन वाटर इन सब चीजों की बात करोगे, ठीक है। जब वाटर वगैरह क्लीन हो जाएगा, तो फिर उसके बाद क्लीन एनर्जी की बात करेंगे, जो कि 7 नंबर है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे वर्क वगैरह, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब की बात करेंगे, जो कि 8 नंबर पे आता है, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान 6 में आएगा ना, सैनिटेशन में आएगा। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, हाँ उसी में आ जाएगा। सैनिटेशन, स्वच्छ भारत अभियान। अभी कुमारी क्या लिखे, क्लब समोला क्लास कब चलेगी, मतलब ओडीएफ सर, क्या ओडीएफ होता किस है, में आपने जो आएगा? लिखा। 6 में ही हाँ, जिसमें ओडीएफ स्वास्थ्य की सिक्स में बात आएगा। होगी, वही में ओडीएफ आ जाएगा, क्लीन क्लीन सोसाइटी, उसी में ऐसा नेशन में आ जाएगा ओडीएफ। क्या लिखा है पेन ग्रुप में, ट्वेल्थ क्लीन वाटर से जो सैनिटेशन में आ जाएगा, किसमें आएगा, उसी में आएगा, 6 नंबर पे आएगा ओडीएफ, नंबर पे आ जाएगा ओडीएफ। चलिए
अब चलते थे, हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था, पांचवा नंबर, चौथा नंबर गुणवत्ता शिक्षा का। पांचवा नंबर किसका बात करता है, पांचवा नंबर जेंडर जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है। पहले सनातन धर्म दिवस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पांच जेंडर नंबर लुई सेविले शहर, ठीक है, जो केंटकी अमेरिका में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाया गया। मेयर लुई सेविले की बात करें, क्रेन ग्रीनबर्ग है, ठीक है। तो सनातन धर्म दिवस अमेरिका में मनाया गया, ठीक है। तीन, हमारा धर्म जो है सनातन है, ठीक है, हिंदू धर्म नहीं है, धर्म सनातन ही है, ठीक है। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 सितंबर को मनाया गया। थीम की बात करें, एकजुटता, समानता और साझेदारी, SDG हासिल करने के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग को अनलॉक करना। ग्लोबल साउथ, अविकसित एवं आर्थिक रूप से वंचित राष्ट्र है, जैसे लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशेनिया, ठीक है, ध्यान रखिए। ये सब सारे के सारे अविकसित तथा आर्थिक रूप से वंचित राष्ट्र, लैटिन अमेरिका जिसे मुख्यतः दक्षिण अमेरिका देशों को कहा जाता है, ठीक है। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ओशेनिया हो गया। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आपके लिए इंपोर्टेंट है, कितने तारीख को मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, क्या बताएंगे? तो 15 सितंबर को मनाएगा। थीम की बात कर गया था, अगली पीढ़ी को मतलब क्या बनाना, सशक्त बनाना, जो इसका बनाना। थीम था, ठीक है। अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना इसका थीम था, ठीक है। कितने तारीख को मनाएगा अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस, तो क्या बताएंगे? ठीक 15 सितंबर को है, सर। बिल्कुल 15 सितंबर को मनाएगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 29वां विश्व ओजोन दिवस मनाएगा, कितने तारीख को मनाएगा ओजोन दिवस? 16 सितंबर प्रोटोकॉल को। पे हस्ताक्षर को याद दिला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 7 में। सेवन में, ठीक है। मॉन्ट्रियल की बात को, मॉन्ट्रियल क्या है, तो कनाडा का एक शहर है, क्या है मॉन्ट्रियल, क्या है, तो कनाडा का एक शहर है, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। आवाज किनका कर रहा है, मैं कितना जाना, ग्रीन गैस जो लोग बोलते नहीं माइक से बंद करके रखे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान, 2023 की थीम बात की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना, जलवायु परिवर्तन को कम करना, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 1987 में ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन, उपभोग का चरण व तरीके से बंद करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि या मॉन्ट्रियल की बात करें, कनाडा में पड़ता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में की गाली संशोधन ध्यान में रखिएगा, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरण व तरीके से मतलब क्या करना है, कम करना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद वियना कन्वेंशन जो था 1985 में होता है, ये भी ओजोन परत के संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। वियना कन्वेंशन तो 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू हुआ, ठीक है। तो 1987 में ध्यान में रखना है सबको, क्या होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, लेकिन लागू कब होता है, तो 1989 में होता है, ठीक है। उससे पहले वियना कन्वेंशन ऑलरेडी 1985 में हो गया रहा था। ओजोन छिद्र की बात करेंगे, तो मापने की इकाई क्या है, डॉप्सन से मापते हैं, किसे मापते हैं, डॉप्सन से मापते हैं, किसे मापते हैं, ओजोन की मोटाई किसे मापते हैं, डॉप्सन से मापते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है, समताप मंडल में, ठीक है, असाधारण रूप से छिन्न हो ओजोन का एक क्षेत्र है, ठीक है। तो अंटार्कटिका के ऊपर आपको ओजोन के छिद्र आपको देखेंगे, सबसे पहले वहीं पे दिखा गया था। ओजोन मंडल किस परत में मिलेगा आपको, किस परत मिलेगा ओजोन मंडल, समताप समताप मंडल। एरोप्लेन किस में उड़ता है, एरोप्लेन ठीक मंडल समताप में सर। है। समताप मौसमी घटनाएं किस में होती है, मौसमी घटनाएं किस में होती है, में क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है, ध्यान रखें। रेडियो तरंगे किसमें मिलेगी, रेडियो तरंगे सर, आयन मंडल में अच्छा, बिल्कुल आयन मंडल में आपको क्या मिलेगी, तो रेडियो तरंगे मिलेगी, ठीक है, लैटरल ध्यान में फोर्स रखेंगे, में। बिल्कुल, ठीक है। आप चलते विश्व जल सप्ताह, विश्व जल सप्ताह 20 से लेकर 24 अगस्त तक मनाया गया, कब से मनाया गया, 20 से लेकर 24 अगस्त तक, ठीक है, मनाया गया 24 अगस्त है, ठीक है। परिवर्तन के बीच जल आधारित दुनिया के लिए अभिनव समाधान। आयोजन स्थल की बात, कहाँ पे विश्व जल सप्ताह का आयोजन स्थल आपसे पूछ सकता है, कहाँ पे है, स्टॉकहोम में स्टॉकहोम हुआ है, ठीक है। स्वीडन वेस्टकोटम की में बात सर। करेंगे, स्वीडन का मतलब क्या है, कैपिटल भी है, ठीक है। आयोजित की बात करेंगे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट इसमें शामिल था, ठीक है। तो इतना ही था, हम ऊपर से भी पूछेंगे, आप लोग बताइएगा। चलिए, साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मना है, 8 सितंबर सर। से 8 सितंबर। ठीक है। आयोजक कौन था, आयोजक शिक्षा मंत्रालय। बिल्कुल शिक्षा मंत्रालय जो था इसमें। आज उल्लास कार्यक्रम कौन चलाता है, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट 2022 से लेकर 27 तक चलेगी शिक्षा से संबंधित उल्लास का। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 तारीख हिंदी को राज्य भाषा के रूप में भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था, 1949 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1910 को सर। बिल्कुल, ठीक है। अब बात करेंगे, तो बिहार हिंदी साहित्य का सम्मेलन किस शहर में हुआ था,
पटना पटना हुआ, पर मतलब मुजफ्फर हुई थी, को मुजफ्फरपुर में थे, उसका मुख्यालय है सर पटना में। उसका मुख्यालय पटना, ठीक है, 1919 में हुई थी। हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके और बात करते हैं आगे, बताना इंजीनियर्स दिवस किसके स्मृति में मनाया जाता है? विश्वेश्वरैया। ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया था? इन्होंने बांध वगैरह के क्षेत्र में भी काफी काम किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे चलेंगे तो बताएंगे। एम विश्वेश्वरैया की बात करेंगे तो 1903 में सिंचाई प्रणाली को इन्होंने सबसे पहले पेटेंट करवाया था। भारत रत्न कब मिला था इनको? 1955 में, 1955। बिल्कुल ठीक है, कब मिला था? 1955 में मिला था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लाल पंडा दिवस कब मनाते? 16 सितंबर को मनाया गया इस बार, लेकिन सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाता। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? बीपीएससी आईयूसीएन स्टेटस मूलतः पूछता है बहुत सारे एनिवल्स लुप्त का, प्राय क्या से, है? लुप्त लुप्त प्राय प्राय, से, ठीक लुप्त है, प्राय। दक्षिण किस क्षेत्र में मिलेगा ये? ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक में। है। उसके बाद में बात करेंगे आगे, तो ये आप हमें बताइए, ठीक है, ये बताइए भारत में कहाँ पे मिलेगा? तो सबसे ज्यादा सिक्किम में मिलता है, सिक्किम ठीक आप है, ये ये सारे के सर सारे वैसे ही राज्य मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं ना, ठीक है, चीन से सटा हुआ रहेगा, ठीक है। ये सर सिक्किम और अरुणाचल में मिलता है, उसे दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल में भी मिल जाता है, ठीक है, मगर नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ ज्यादातर, ये तो पता ही आप लोग को, क्या ही बताए, इसमें से याद ही करवा दिए थे। नुएरा वैली याद रखिए, नेशनल पार्क जो है कालिमपोंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, असम से सटा हुआ नो इलाका है। अंतोदय दिवस किनके स्मृति के रूप में मनाया जाए? अंतोदय दिवस पंडित दीन दयाल उपाध्याय सर। दयाल उपाध्याय, ठीक है, वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक 1951 में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और एक और नाम क्या हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस किनके स्मृति में मनाया जाए तो क्या बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें, मेजर ध्यानचंद के स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, कितने तारीख को मनाते हैं? 29 अगस्त को सर। 29 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। विश्व एमएसएमई दिवस की बात करें तो 27 जून में मनाते हैं, भारत में 30 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? पहली बार मनाया जाएगा, मनाया गया 23 अगस्त को, ध्यान रखें, 23 अगस्त का घोषणा की बात करें 2023 में हुई थी, ठीक है। पहले चंद्रयान 2 जो क्रैश कर गया था, उस पॉइंट का क्या नाम रखा गया? तिरंगा तिरंगा पॉइंट पॉइंट रखा गया था, ठीक है। चंद्रयान 3 जहां पे उतरा, उस पॉइंट को क्या नाम रखा गया? शिव शक्ति। शक्ति। शिव शक्ति, बहुत सुंदर, ठीक है। 37वां तिब्बती लोकतंत्र दिवस 2 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। अब एक प्रश्न पूछा जाएगा, 1907 में निर्वासित तिब्बती संसद के पहले निर्वासित प्रतिनिधि ने शपथ भारत के किस शहर में ली थी? क्या बताएंगे? बोध बोध गया में लिया था, ठीक है। निर्वासित तिब्बती सरकार भारत में कहां से चलती है तो क्या बताएंगे? साला धर्मशाला से, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल से चलती है, ठीक है। चलिए बात करेंगे इंटरनेशनल में, ठीक है, विश्व संस्कृत दिवस की बात करेंगे तो किनके जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है? पानी पाणिनि के पानी जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया था तो क्या बताएंगे? के 1969 में मनाया गया था पहली बार, ठीक है। वासुदेव कुटुम्बकम की बात करेंगे तो किस उपनिषद से लिया गया तो क्या बताएंगे? किस महा अध्याय से लिया गया है, अध्याय ठीक है, और कहाँ पे और इसकी सिक्स चर्चा देखने को मिलती है? महाउपनिषद के अलावा भी हितोपदेश में। पर हितोपदेश के मतलब रचनाकार कौन है तो क्या बताएंगे? वेरी पंडित। गुड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो संपूर्ण विश्व ही मतलब क्या है? परिवार है। नीले आसमान के लिए चौथा अंतर्राष्ट्रीय मनाया गया है दिवस 7 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? तो यह भी 7 सितंबर को मनाया गया है, ठीक है, इंटरपोल के द्वारा। 195 देशों इंटरपोल के सदस्य। मुख्यालय की बात करेंगे, मुख्यालय कहाँ पे इंटरपोल का? फ्रांस में है, बहुत सुंदर, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। SDG 5 क्या चीज की बात करता SDG है? हासिल करना, के बात करता था स्थायी विकास के लिए वैश्विक साझेदारी, ठीक है, 2015 में लॉन्च हुआ था और 2030 तक के लिए, मतलब 15 वर्षों तक के लिए है, ठीक है। पहला लक्ष्य की बात करेंगे पॉवर्टी है, दूसरा का मतलब है जीरो हंगर। हंगर, ठीक है, नो हंगर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर 8 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। विश्व ईवी दिवस कब मनाते हैं? ईवी
9 सितंबर क्या था? ईवी का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल। क्या होगा व्हीकल ईवी का मतलब? क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर। अच्छा बात करेंगे, भारत ने 2040 तक लक्ष्य रखा है, से मतलब कि वाहनों की बिक्री में 80% हिस्सेदारी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल की होगी। ठीक है, कब तक भारत ने इसको लक्ष्य रखा है? 40 2040 2040 तक 80%। ठीक है, 2023 तक 17 मिलियन यूनिट का लक्ष्य रखा है। ठीक है, लेकिन 2040 तक भारत 80% लक्ष्य रखा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल आ जाएगा मार्केट में। ठीक है, आप चलेंगे आगे, चलेंगे तो क्या प्रश्न, वो भी जरा देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखेगा सनातन धर्म की बात करेंगे, अमेरिका के किस शहर में? लुई शविले शहर में बनाया गया। ठीक है, हाँ, ठीक बस मेयर का नाम मत याद रखें, है, ये आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन 12 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की बात करें 15 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, ओजोन दिवस की बात करेंगे 16 सितंबर को मनाया गया। ओजोन से संबंधित जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, कब हुआ था? 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्रावधानों को कब से लागू किया गया था, क्या बताएंगे? 1988 से लागू किया। कब किया गया था? 1988 से लागू किया गया था। नाइन हाँ बताना है आपको, वियना कॉन्वेंशन कब हुआ था? 1950 89 सब इन्होंने, वियना कांग्रेस कांग्रेस जानते भी है ना, कांग्रेस के बारे में कोई भी आदमी? ठीक है, वियना कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा था? वर्ल्ड हिस्ट्री का पूछ दिया आप लोग, मेटरनिक कर रहा था। कौन कर रहा था? मेटरनिक। मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। एक्चुअली में नेपोलियन ने यूरोप में ना पूरा इधर उधर कर दिया था ना, तो वियना कांग्रेस बुलाया गया था। और नेपोलियन जो था यूरोप में, सारे यूरोप को जीत लिया था, इधर उधर कर दिया था, इधर का उधर मिला दिया, उधर का इधर मिला दिया, बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हो गई थी। इसीलिए मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। ठीक है, वो पुरातन व्यवस्था बनाए रखने के सक्षम था, मतलब जो पुराना से जैसे जो व्यवस्था चल रहा है ना उसको चेंज नहीं करना। और नेपोलियन ने तो सारे राजाओं को हटा के सब जगह डेमोक्रेसी फैला रहा था, और डेमोक्रेसी भी दूसरा ढंग का डेमोक्रेसी। तो मेटरनिक ने वियना कांग्रेस बुलाया और जहां पे जो जो इम्पायर था सबको बोला से पहले की तरह ही हो जाओ। जैसे ऑस्ट्रिया के क्षेत्र में हैब्सबर्ग इम्पायर था, यूरोप में ज्यादातर जगह पे जिस क्षेत्र को नेपोलियन जीता था, तो सब जगह उसने पहले ही जैसा सब कुछ मतलब बना दिया, सारा पे राजा था वहां पे, सबको राजा, इसी को वियना कांग्रेस जाना जाता है। और ये जो था 1815 में हुआ था, पूछेगा मेटर्नी का विचार कैसा था, तो पुरातनवादी। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का है, आप लोग को ना पढ़ना भी नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री, खासकर कभी यूपीएससी में तो नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन यूपीएससी में पढ़ना होता अच्छा खासा। विश्व जल सप्ताह की बात करेंगे कहाँ पे, तो ध्यान में स्कॉटहोम में, कहाँ पे? स्कॉटहोम में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, चलिए आप जाते हैं एप्स एंड पोर्टल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, किस ऐप को किसने लॉन्च किया है? कभी कभी ऐप से क्वेश्चन पूछता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, किताब तक आज करके इंड करेंगे। ठीक है, करा देता हूँ, ऐप्स को नहीं भी याद है कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए अगर दिया हुआ है तो। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड जिसको एनजेडीजी, सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को एनजेडीजी पर अपने केस डेटा को शामिल किया, किसके द्वारा विकसित है? तो ध्यान में रखेंगे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के द्वारा विकसित है। एनजेडीजी 18,735 जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेश, निर्णय और मामले के विवरण का एक डाटाबेस है। इसे ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया। ठीक है, ई कोर्ट प्रोजेक्ट याद रखेंगे, तो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, ठीक है, एनजेडीजी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, किसने बनाया था? एनआईसी ने बनाया। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने इसे बनाया है। ठीक है, अब चलेंगे ब्रिस कफे, ब्रिस कफे 2A2A क्या है ये? ब्रिस कैफे और यस बैंक ने, ठीक है, ब्रिस कैफे 2A2 पेश करने के लिए सरदारी के उद्देश्य क्या रहेगा? एमएसएमई के लिए निर्बाध सीमा पे भुगतान करने को सक्षम बनाना। ठीक है, तो इसमें यस बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसको बोलेंगे सरपंच, ब्रिस्क पे, जैसे फोन पे होता है ना, उसे अच्छा ब्रिस्क पे। अच्छा ये ब्रिक्स पे है, अच्छा समझ गया, ब्रिक्स अच्छा 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 ब्रिक्स पे मतलब, यहाँ पे एक भी आप ध्यान पे। रखिएगा, ब्रिक्स पे अगर ये, अगर ब्रिक्स पे अगर होगा ना, ब्रिक्स वाला जो है ना अपना, ब्रिक्स कंट्री जो है ना अपना करेंसी लॉन्च करने वाला है। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन का पूरा सबका यूरो होता है ना, उसी तरह की ये लोग भी अपना एक नया करेंसी भी लाने वाला है, जिसका सबका, जिसका करेंसी का सिंबल क्या होगा? आर से होगा। क्यों होगा? क्योंकि ब्राजील है बी आर, आर से क्या होगा? रशिया। आई से क्या होगा? इंडिया। सी से क्या होगा? चाइना। एस से क्या होगा? साउथ ब्राजील अफ्रीका। ब्राजील का करेंसी क्या है? ब्राजील का करेंसी यूरो।
ब्राजील ने डॉलर, आर से रशिया का क्या है रूबल, आई से इंडिया का क्या है रुपया, सी से चाइना का क्या है रेनमिनबी, एस से साउथ अफ्रीका का रैंड, ये सारा का करेंसी मतलब क्या होता है आर से लॉन्च होता है, ठीक है। तो सभी लोगों ने बोला तो भाई साहब डॉलर का जो है अपना बहुत ही मतलब एक तरह से मतलब मोनोपोली है, तो इसको खत्म करो और जो भी ब्रिक्स नेशन अपना एक करेंसी बनाओ जैसे यूरोपियन यूनियन का यूरो वगैरह है, ठीक है। लेकिन भारत जो है इसमें सहमति नहीं दिखा रहा है क्योंकि रशिया, क्योंकि क्या बोलते हैं अमरीका बहुत ज्यादा गुस्सा हो सकता है, हमारा संबंध खराब हो सकता है, इसलिए अभी तक हमने अपना सहमति नहीं दिखाया, ठीक है। उसीलिए ब्रिक्स पे भी लॉन्च किया गया, A2A की बात करेंगे तो यस बैंक ने इसमें अपनी वो दिखाई है, ठीक है। हालांकि ब्रिक्स अपना करेंसी भी लॉन्च कर सकता है फ्यूचर में, जिसका सिंबल किससे होगा, आर से होगा। रीजन क्या है, आर से होने का रीजन क्या है, क्योंकि जो भी नेशन जो है ना ब्रिक्स में सबका करेंसी अच्छा किससे शुरू होता है, आर से ही शुरू होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बता दिया हूँ। सरपंच सम्मान है गुलाब चंद कटारिया, असम के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। सरपंच संवाद ऐप, ठीक है, ये सब ऐप कहाँ पे चलता नहीं चलता पता भी नहीं है। उद्देश्य की बात के पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ना है, भारतीय गुणवत्ता परिषद, ठीक है, QCI द्वारा विकसित है। कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया किसके, रमेश चंद्र के द्वारा, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित है। उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में डाटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित बनाना। कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया गया, ठीक है। ऐप से पूछता है, बिहार का जो ऐप जो होता है ना उससे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, वो मैं याद करवा दूंगा। ये पुस्तक काफी चर्चा में रहा था, पुस्तक अजय से योगी आदित्यनाथ, ठीक है। पुस्तक अजय से योगी आदित्य किसकी पुस्तक है, तो शांतनु गुप्ता की पुस्तक है, ठीक है। ये तो बहुत पहले आई थी पुस्तक, अभी क्यों चर्चा में, 1 साल पहले पुस्तक आई थी। सबसे अधिक संख्या में लॉन्च हासिल करने के लिए एशिया अच्छा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान, अच्छा मतलब ये पुस्तक तो आज से 1 साल पहले आ गई थी लेकिन अपना रिकॉर्ड बना लिया है, सबसे अधिक संख्या में लॉन्च हासिल करने के लिए, ठीक है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान अर्जित किया। यह 67 स्थानों पर लॉन्च किया गया, ठीक है। 67वां स्थान की बात करें कौन था, बेंगलुरु था, मतलब 67 स्थानों पर इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। यह पुस्तक योगी आदित्यनाथ के संघर्ष के दिनों से लेकर सार्वजनिक जीवन तक की यात्रा का वर्णन करती है, ठीक है। एक पुस्तक आई है जिसका नाम फायर ऑन द गंगाज, ठीक है, ध्यान रखें फायर ऑन द गंगाज, ठीक है, डोम समुदाय के बारे में बताती है। डोम समुदाय, आप गंगा घाट पे जाएंगे ना तो लाश को जलाते हुए आपको दिख जाएंगे, उसके प्राचीन परंपरा के बारे में बताती है, ठीक है। डोम राजा कहा जाता है वहां पे, ठीक है। पुस्तक का नाम है फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, बहुत पुस्तक का नाम बड़ा क्या सुव्यवस्थित और बढ़िया है, फायर ऑन द गंगा लाइफ एमंग द डेड इन बनारस। लेखिका की बात करें राधिका एंगर जो इसकी लेखिका है, ये डोम समुदाय की कहानी बता जो प्राचीन परंपरा से परे एक जगह पाने के लिए मतलब क्या कर रहा है, एक जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, ठीक है। तो किसकी पुस्तक है ये, फायर ऑन द गंगा लाइफ एमंग द डेड, किसकी पुस्तक है बोलिए। राधिका अयंगर की। बिल्कुल राधिका आयंगर की है, जब बोला जाए बोलने के लिए तो सभी लोग बोलेंगे, कहानी नहीं सुनना है, ठीक है। चलिए, और ये पुस्तक किसी अजय अजय से योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता की, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। अब चलेंगे आगे, आगे कहाँ चलेंगे, तीन ही पुस्तक था, तीनों पुस्तक का राइटर का नाम बताइए, ठीक है। चलिए, पुस्तक फायर ऑन द गंगा का, राधिका अयंगर, ठीक है, अजय तू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता। अजय से योगी आदित्यनाथ पुस्तक चर्चा में क्यों रहे, क्यों चर्चा में रहे, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों बनाया है, क्या रीजन की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बहुत ज्यादा लॉन्चिंग हुआ है इसका। हाँ तो सड़सठ सड़सठ बेंगलुरु जगह पे लॉन्च किया गया, 67वां लॉन्चिंग कहाँ पे हुआ है, बेंगलुरु में। में हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल इसको पढ़ के कल इसको विदा करेंगे, कल ये हमारा समाप्त भी हो जाएगा, क्योंकि कल हमारा ये तो ये इतना बचा हुआ है, बोलेंगे तो आज ही समाप्त कर देंगे। बोलिए, कर दो समाप्त, क्योंकि इसमें डाटा मुझे मिलेगा। मन नहीं लग रहा बोलिए, टेंट पढ़ने में, याद करने हाँ, बिहार के लिए आप लोग के लिए नया किताब मैं बाहर से खरीद लिया ठंडा हूँ, लगेगा।